ऐसी इंटरनेट यूज़ करना है, हाई स्पीड यूज़ करना है तो आप कर सकते हो इजीली, ठीक है ना। देखो मेरे पास अभी आप देख सकते हो कि मैंने BSNL का यूज़ कर रहा हूँ, एंड BSNL मेरे पास 4G सिम है, जियो का भी 4G सिम है। तो 4G सिम में वो स्पीड नहीं देता है, तो इसके लिए मैं पहले तो आपको दिखा दूँ। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ब्राउज़र पे आ चुका है इंटरनेट स्पीड चेक करने के लिए। तो यहाँ पर स्पीड टेस्ट चालू हो चुका है, गो पे मैंने टैप कर दिया है। अभी देखते हैं कितना स्पीड दे रहा है मुझे। तो 0.10 हाईएस्ट है इसमें, आप देख सकते हो, ठीक है। स्टेबल कितना है वो अभी थोड़ी देर में आएगा मेरे सामने। तो ऊपर से स्टेबल है 0.08 MB, ठीक है, देख सकते हो कितना स्लो है। अरे BSNL पे है, तो जो मैं BSNL का बताऊंगा सेम वही जियो का भी होगा। तो अभी सिंपल से आपको जाना है आपके मोबाइल के सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पर सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पे जाना है। फिर आपको यहाँ पर आपका जो भी है जियो 4G अगर है तो जियो 4G पे टैप करना। मेरे फ़िलहाल उस पर रिचार्ज नहीं है, मैंने इस पर करके रखा है, इसलिए मैं इस पर दिखा रहा हूँ। BSNL पे गया। BSNL पे जाने के बाद आपको नीचे जाना है, एंड आप पर आप देख सकते हो कि 4G कॉलिंग अवेलेबल है क्योंकि आप 4G सिम है, ठीक है। एक्सेस पॉइंट नेम पे जाना है, APN करके भी हो सकता है। एंड यहाँ पर ये पहले से एक APN बना होता है, आप देख लो यहाँ पर पहले से बना होता है, ठीक है। आपको इस पर छेड़छाड़ कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल इस पर जाना प्लस पे, एंड फिर यहाँ पर आपको लिखना है, जैसे कि मेरे BSNL है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ BSNL 4G, ठीक है। 5G अभी तक नहीं है तो मैं 4G लिखूँगा, एंड वहाँ पर आप अगर जियो पे ट्राई कर रहे हो तो वहाँ पर लिखना जियो 5G। फिर APN पे आपको लिखना है BSNL, आपका अगर जियो है तो जियो लिख देना, ठीक। फिर आपको नीचे आना है, एंड यहाँ पर आपको लिख देना है BSNL 4G यहाँ पर, एंड फिर आपको सर्वर पे आना है। सर्वर पे आपको लिखना है www, आपका जियो है तो जियो 5G लिखना, मेरा BSNL है तो मैं BSNL 4G.com ओके कर दूंगा, एंड फिर नीचे जाऊंगा ऑथेंटिकेशन पे आऊंगा, एंड यहाँ पर पैप और चैप जो लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको APN टाइप में कुछ नहीं करना, APN प्रोटोकॉल पे भी कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर आना है BRR पे, एंड यहाँ पर आपको LTE सेलेक्ट कर देना है, ओके कर दो। एंड MVNO पे यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, इतना हो गया। अभी आपको 3 डॉट पे टैप करना है, फिर आपको करना है सेव। अभी आप सेव जैसे करोगे तो आपको नीचे में यहाँ पर BSNL 4G पे टैप कर देना है, एंड थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े टाइम के बाद ये रिफ्रेश होकर आपको फिर से इंटरनेट आपको देगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख लो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन अभी यहाँ पर आपको उतना स्पीड नहीं देगा, तो आपको क्या करना है मोबाइल को रिबूट करना है, रीस्टार्ट करना है, ठीक है, आपको करना है रीस्टार्ट। तो मैं यहाँ पर रीस्टार्ट कर देता हूँ, इंटरनेट स्पीड कितना दे रहा है अभी, ठीक है ना। यहाँ पर मैं वेट कर लेता हूँ कब तक ये लोडिंग होता है, कंटिन्यू करते हैं, गो, ये चालू हो चुका है। अभी मैं अपना इंटरनेट देखूँगा कितना स्पीड दे रहा है मुझे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो कि पहले मेरा 0.08 MB था, एंड यहाँ पर थोड़ा स्पीड अप हुआ है 0.5963 ऐसा जा रहा है, ठीक है। एंड अभी मेरा स्टेबल कितना है वो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर स्टॉप होने देता हूँ इसे, एंड उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो स्टेबल इंटरनेट स्पीड है वो कितना हुआ है पहले से। अच्छा, तो यहाँ पर हमारा स्टेबल निकल के आ चुका है 0.52। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।